हाय फ्रेंड्स, मैं मसरत अब्बास। और पिछले 3-4 वीडियो मैंने एक्शन कैमरा पे शूट किए थे, जो कि DJI Osmo एक्शन कैमरा, और साइकिल पे ही मैंने माउंट किया था उसे। और मैंने एक चीज़ बताई थी, साइकिल काफ़ी भारी चल रही है, साउंड भी बहुत इसमें से आ रहे हैं और ये सारी चीज़ें भी। तो मैं साइकिल गया सर्विस कराने, तो कुछ टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने कहा एक वीडियो बना। तो ये रियर टायर की प्रॉब्लम ये हुई थी कि गियर वायर भी टूट गया था और टायर में भी जो है काफ़ी बबलिंग थी। तो टायर को खोल कर जब ओपन किया गया तो उसमें देखा गया कि उसका स्पैंडल भी कटा हुआ है, वो चेंज हुआ सब। उसमें जो ब्लॉक्स होते हैं मेटल ब्लॉक्स, वो सब चेंज हुए और ग्रीसिंग वगैरह हुई। गियर पूरा फिर से खोल के उसमें फिर से उसकी सेटिंग की गई, तो काफ़ी काम हो गया। कई मेरे ख्याल से 2-3 घंटे लग गए। क्योंकि ये स्क्रीन पे देखिए, ये ब्लैक कलर का ये स्पैंडल रखा हुआ है जो निकला है इसमें से। अब दूसरा लग गया है साइकिल में। अब देखिए टायर को फिक्स कर रहे हैं। ये नॉर्मल टायर तो है नहीं, इसके साथ गियर लगा हुआ है। ये टायर देखिए, जो रियर टायर था वो काफ़ी ख़राब हो गया था। ज़्यादा दिन नहीं हुआ था लेकिन फिर भी ख़राब हुआ, क्योंकि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं था टायर जो लगाया पीछे के लिए। वो काफ़ी अच्छा टायर, काफ़ी अच्छी कुशनिंग वाला हैवी टायर था, पर पीछे वो सेट नहीं हो रहा था। तो जो आगे का टायर पतला था उसको पीछे किया गया, उसको आगे किया गया। ये देखिए पीछे जो है, पीछे पुराने टायर को लगा दिया गया है। काफ़ी टेक्निकल है और जल्दी मेंटेनेंस में भी इन सब की प्रॉब्लम होती है। इसके जल्दी से आपके पाते ठीक से, तो ये जिनसे मैं बनवा रहा हूँ ये काम करते हैं, बढ़िया करते हैं। तो देखिए ये टायर को सेट कर रहे हैं। और अच्छा ये है कि आप रहिए तब तो अच्छा है, अगर आप छोड़ के हट गए और फिर आप 2-3 घंटे बाद पहुँचे तो जो आपकी प्रॉब्लम हो शायद ही रिजॉल्व हो। क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि जब तक आप खुद नहीं बैठेंगे, एक एक बताएंगे नहीं, तब तक वो सारी रिजॉल्व होंगे। चैन भी देखिए ढीली हो गई थी, मैंने कहा कि हमें चैन के मेरे ख्याल से करीब 2 ब्लॉक निकाले गए, चैन ज़्यादा बढ़ गई थी। और गियर जब भी मान लीजिए आपके साइकिल में बन रहा हो तो उसमें आप देख लीजिएगा गियर शिफ्टिंग का, क्योंकि बहुत बड़ा इशू होता है बार बार अगर चैन उतरेगी तो बहुत बड़ा। और इसमें देखिए आगे डिस्क ब्रेक है अगले टायर में, तो थोड़ा सा उसको भी सेट करना पड़ेगा। बाकी ये गियर लग गया है, गियर वायर ही देखिए अभी भी टूटी हुई है। इसको नॉर्मल जो फर्स्ट गियर पे ला के भी चेन को छोड़ा गया है। अब इसमें वायर पड़ेगा, वायर काफ़ी लंबा है, और अब उसको लगा के फिर गियर की शिफ्टिंग की जाएगी, जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कई बार खोलना पड़ता है लगाना पड़ता है। लेकिन हाँ, आप बैठे हैं तो सही हो जाएगा, अगर आप नहीं बैठे हैं तो कुछ भी हो सकता है। मेरे सामने 2-3 बार खुल के फिर से लगा है, सेट हो रहा है, क्योंकि ज़रा सा भी अगर थोड़ा सा भी 1 mm भी अगर डिफरेंस रह गया तो आप गियर शिफ्ट करेंगे चेन उतर जाएगी, वो प्रॉब्लम मैं झेल रहा था। जो आपकी साइकिल के सामान हो जाता है, फिर खासकर ऐसे ही साइकिलों का सामान। देखिए इन्होंने सेट कर लिया। देखिए एक सिंगल क्लिक करता हूँ जो कि गियर लीवर है, और चेन नेक्स्ट गियर पे शिफ्ट हो जाती है। यही चाहिए, आप स्मूथली चलाएं, सिंगल क्लिक पे गियर शिफ्ट हो जाए। अदरवाइज गियर चेंज को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत मेंटेनेंस साइकिल में आती है। लेकिन आप बहुत अच्छा कारीगर है और सही सेटिंग कर लेता है, और आप भी स्मूथली राइड करते हैं साइकिल, तो प्रॉब्लम नहीं आती उतना। देख काफ़ी देर से देखिए गियर शिफ्टिंग कर रहे हैं, गियर सेटिंग कर रहे हैं, और उसको जो है सिंगल क्लिप ही देखिए, अभी चेन इन्होंने देखा और चेन
उसके बाद गियर काफ़ी गंदा था, ज़्यादा डस्ट थी कि पूरे इस पॉकेट पे ही डस्ट जमी थी। तो फिर पेट्रोल से इसकी सफाई की जा रही गियर की, बहुत गंदा, कोई रास्ता नहीं था क्योंकि इतना ऑयली था कि उसमें पानी से भी शायद उतना साफ ना होता। पर उसके बाद जो है एक चीज़ है, वीडियो तो मैं बाद में एडिट करूँ, ये सब प्रोसेस करने के बाद साइकिल नो डाउट बहुत अच्छी चलने लगी कि मतलब दिल खुश हो गया चला के, कि जो मैं अपनी एक्सरसाइज के लिए रोज़ सुबह 2-3 किलोमीटर चलाता हूँ और अगर अच्छी होती है तो अपने आप इंटरेस्ट होता है, सुबह उठते ही नमाज और पूजा के बाद फ्री होकर बस फौरन बदकर चलो थोड़ा सा, और अगर साइकिल सही नहीं होती तो फिर दिल नहीं करता, और फिर एक रूटीन आपने बना रखा है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है कई तरीके से, जब से जब बट निकाल लेते हो अंदर जाके काफ़ी लेयर बन गई है। अगर आप ये सब साइकिल रखते हैं और शौक़ है आपको तो ये सब करना होगा आपको, खुद कीजिए या किसी मैकेनिक को पकड़िए, क्योंकि जितना एक गाड़ी की सर्विस में टाइम लग जाता हो मैंने आज देखा उतना ही उससे कम नहीं साइकिल में टाइम लग गया, क्योंकि है काफ़ी हाईटेक, 18 गियर्स हैं, सब कुछ है, तो जाहिर है टाइम टेकिंग तो हो गई। पेट्रोल इसमें आगे भी देखिए 3, इसको क्या कहा जाएगा, इस पॉकेट जो कि डिफरेंट साइज़ के हैं जो कि स्पीड को चेंज करते हैं, और पीछे है 6 और ये 9, और 9 को जस्ट पलट के वो 18 गियर में काउंट किया जाता है। तो अभी देखिए ये इसको जो है पूरा पेट्रोल से इन्होंने काफ़ी साफ़ किया है, और साफ़ करने के बाद मतलब खुद मैंने देखा गियर काफ़ी क्लीन हो गया, मतलब देख के भी, जो शेमाओ कंपनी का है मेरे ख्याल से बहुत टाइम से तो उसका नाम ही नहीं दिखता, तो उस पर इतनी डस्ट जमा हो गई थी। लेकिन ये सब प्रोसेस करने के बाद फिर साइकिल आ गई वॉशिंग पॉइंट पे, मतलब पूरी बाइक की तरह से है, देखिए धुलाई स्टार्ट हो गई, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद अगर वॉशिंग नहीं होती तो फिर लगता कुछ काम हुआ नहीं। वॉशिंग होने के बाद बहुत सी डस्ट जो कि साइकिल में साउंड पैदा कर रही थी और जगह जगह पर जमी हुई थी वो सब क्लियर हो गई, और उसके बाद जब मैंने साइकिल पे मैं दोबारा लेके गया, सब ग्रीस वगैरह ऑयल वगैरह लगवाया उसमें, उसके बाद फिर जब मैंने साइकिल को राइड किया तो नो डाउट बहुत अच्छी फीलिंग आई, मतलब लगा कि अगर साइकिल राइड करते हैं तो उसको अच्छी कंडीशन में रखें और मेंटेनेंस भी उसका कराते रहें, क्योंकि साइकिल में सिर्फ पंचर ही नहीं लगता कि पंचर हो गई बनवा लिया, तो बहुत से मेंटेनेंस, और इस टाइप की अगर आप साइकिल रखते हैं तो जाहिर सी बात है आपको मेंटेनेंस के लिए भी रेडी रहना चाहिए, तभी आप बढ़िया से राइड कर पाएंगे, चाहे अपने काम के पर्पज़ से राइड करते हो चाहे एक एक्सरसाइज पर्पज़ से, लेकिन अब आपको चलाना तो रहता ही है, मुझे आर्थराइटिस प्रॉब्लम रहती है, तो मैं अगर 2-3 किलोमीटर चला लेता हूँ साइकिल तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिल जाता है, जो कि नी में सोलिंग और जिससे कहिए कि कुछ फ्लूड वगैरह कलेक्ट होता है जिससे सोलिंग आती है, वो सब ये साइकिलिंग से सब हट जाता है। तो और काफ़ी स्वेटिंग भी होती है जैसे मैंने वीडियो में आपको बताया था, तो वो सब सारी चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं हमारे आपके लिए, यही साला ज़्यादा परेशान करता है। जो पड़ा है धुलाई के बाद वापस से, क्योंकि जब धुलाई हो जाती है दोस्तों तो सब उसमें जो ग्रीस ऑयल सब बह जाता है, उस टाइम पे अगर आप खाली उसी कंडीशन में चलाएंगे तो मेटल पॉइंट है जैसे स्पॉकेट है चेन है वो सब घिसने लगती है, उसमें ग्रीस वगैरह लगा देंगे बढ़िया से ऑयलिंग हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं कि डस्ट वो खींचने लगे। तो उसके बाद फिर जो राइड करेंगे जो उसकी क्वालिटी